स्किल सीखना मुश्किल बहुत है, फील्ड में कंपटीशन बहुत है। स्किल सीखना मुश्किल बहुत है, फील्ड में कंपटीशन बहुत है। अब बताओ हम क्या करें। पता है भाई राइम नहीं हुआ, तुम इधर शायरी सुनने आए हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल HBS सर्विसेज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को कोई भी स्किल किस तरह से सीखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक न्यूबी को यही आ रही होती है, वो चूज ही नहीं कर पा रहा होता कि वो कौन सी फील्ड में जाए और किस फील्ड को अडॉप्ट करे और उस स्किल को सीखना शुरू करे। और जब फाइनली वो डिसाइड करता है कि यार हाँ मुझे इस स्किल में जाना चाहिए या इस फील्ड को चूज करना चाहिए, उसके बाद और सारे बहाने उसके सीन में आने शुरू हो जाते हैं। यार इसमें तो कॉम्पिटिशन बहुत है, ऑलरेडी इतने लोग ये काम कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, एक काम को सीखना शुरू करते हैं और कुछ देर उसको छोड़कर फिर किसी और काम में लग जाते हैं। तो इन सभी बातों का हल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। मेरा टारगेट इस वीडियो का यही है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए तो आप इंशाल्लाह 2 से 4 महीनों के अंदर अंदर किसी स्किल को सीखकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी फील्ड को या किसी भी स्किल को चूज करते हैं, आप क्या सोच के करते हैं? आप किसी से भी पूछेंगे यार मैं किस फील्ड में जाऊं, तो आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि यार मुझे बताओ कि ट्रेंडिंग स्किल कौन सी है, किस स्किल में ज्यादा अर्निंग होगी, मैं उसी स्किल को सीखना शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपकी मिथ क्लियर कर दूं कि भाई जरूरी नहीं है कि ट्रेंडिंग स्किल में जाओगे तभी आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। किसी भी स्किल में जाओ उसकी डिमांड जरूर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आपसे आज के दौर में कहता है कि यार मैं आपको सर्विस दे रहा हूं कि आप जो भी लेटर लिखेंगे वो किसी भी शहर में जाना होगा, मैं बाय बस जाके उसको छोड़ के आऊंगा और आप मुझे 5,000 रुपए उसके दे देना, आप उसको हायर करोगे? नहीं ना। क्यों? आपको पता है यार इधर से एक व्हाट्सएप मारूंगा या एक ईमेल मारूंगा, मेरा मैसेज चला जाएगा जहां जाना है। इवन कि आप इमेजेस, वीडियो या डायरेक्ट फेस टू फेस कॉल कर सकते हो। अगर मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम आई गई है तो मैं उस बंदे को क्यों हायर करूं जो 5,000 रुपये में मेरा खत लेगा और 1-2 दिन के अंदर अंदर वो जो मेरा मैसेज है उस एक बंदे तक पहुंचेगा। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपकी स्किल की डिमांड हो। और दूसरी चीज़, कंपटीशन को बीट करने के लिए, ये बात मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि यार देखो एक बहुत सिंपल सा रूल है, बी द फर्स्ट और बी द बेस्ट। या तो उस काम में आप सबसे पहले बन जाओ जिसने उस काम को ईजाद किया, या फिर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट बन जाओ। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने घर के इर्द गिर्द आपके 100 हेयर ड्रेसर्स होंगे, नाई, समझिए ना, तो आप फिर भी उस किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास ही जाओगे अपने बाल कटवाने, क्योंकि आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है। आप कहते हो यार ये जिस तरह के मेरे बाल काटता है ना, दूसरा कोई भी नहीं काट सकता, और आप उसे एक्स्ट्रा पे करते हो उसी सेम शक्ल के लिए। मतलब बात तो वही है ना, आप कहोगे यार अगर एक बंदा मेरे बाल 100 में काटता है मैं उसको 500 दूंगा, लेकिन बाल इसी से कटवाने हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट हो जाते हैं तो आप लोगों के लिए किसी किस्म का कंपटीशन नहीं होता। आप स्टार्ट करते हैं कि आपको किसी स्किल को सीखना कैसे शुरू करना चाहिए। देखो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और आने वाले 4-5 सालों में भी डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। अब बहुत ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, भाई मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, मुझे सिखा दो। किसी भी इंस्ट्रक्टर को जब आप अप्रोच करते हो आप उसे यही कहते हो यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो भाई इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे को जाके कह रहे हो कि भाई मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। अब वो आपको स्पोर्ट्समैन तो नहीं बनाएगा, वो आपसे पूछेगा ना कि यार कौन से स्पोर्ट में आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपने फुटबॉल में जाना है, आपने हॉकी प्लेयर बनना है, बनना क्या। तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी आगे बहुत सी कैटेगरीज हैं, SEO ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसा कि मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से ही जुड़ा हूं। डिजिटल मार्केटिंग के पर्पस को पहले समझो। डिजिटल का मतलब हो गया कि डिजिटली ऑनलाइन फील्ड में, और मार्केटिंग का मतलब होता है ड्राइव कस्टमर और ड्राइव व्यूअरशिप। समझ गए ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कोई भी ऐसी फील्ड जो डिजिटली मार्केटिंग यानी कि उस पर्पस को, व्यूअरशिप के उस पर्पस को पूरा करती है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड है। जैसा कि एक SEO पर्सन, उसका मकसद क्या होता है कि यार वो वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आए, आर्टिकल्स को रैंक करवाए ताकि उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए। ट्रैफिक आ रही है इसका मतलब व्यूअरशिप आ रही है, व्यूअरशिप आ रही है तो इसका मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं। तो मार्केटिंग का पर्पस पूरा हो रहा है और डिजिटली हो रहा है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड है। इसी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिसाल के तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं या मैं क्या करूं, मेरी एक ऑडियंस है, लोग मुझे देखते हैं, मैं एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेस पर लोगों को जमा कर रहा हूं। अब व्यूअर्स आ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है बाद में कस्टमर्स बन सकते हैं, जिससे लोग बाद में अपनी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या कोर्सेज सेल करते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग की ही फील्ड है। तो सबसे पहले आपने चूज करना है कि आपने बनना क्या। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्समैन की आपको एग्जांपल दी, उसने आपसे पूछा कि आपको बनना क्या, आप कहते हो यार मुझे क्रिकेटर बनना है। अब आपने इसी तरह अपनी फील्ड में चूज कर लिया कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना है। अब वो आपसे कहेगा ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है आपने क्रिकेटर
क्रिकेटर बनना है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्रिकेट में करना क्या है। बैट्समैन बनोगे, बॉलर बनोगे, अंपायर बनोगे या ऑलराउंडर बनोगे, अब आप क्या बनना चाहते हो? तो आप उसे कहते हो कि यार मुझे बॉलर बनना है। इसी तरह आप आगे SEO की फील्ड में या सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड में, आपने उसे कहा अपने ट्रेनर से मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। अब आप उसको मजीद तोड़ो, सोशल मीडिया मार्केटिंग किन किन प्लेटफॉर्म्स पर होती? बहुत सारे हैं, LinkedIn, Pinterest, Facebook, YouTube, Instagram, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप सर्विसेज दे सकते हो। अब आपने यहां पर चूज करना है किसी एक प्लेटफॉर्म को कि मुझे इस एक प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मास्टर बनना है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी मुझे बॉलिंग करनी है और बॉलिंग में मुझे स्पिन बॉलर बनना है, तो आप स्पिन बॉलिंग में भी कैटेगरी है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ऑफ स्पिन करोगे, लेग ब्रेक करोगे, जो भी आप लोगों ने करना है। तो इसी तरह आपकी यहां पर भी इस फील्ड में आपने चूज कर लिया कि मुझे फेसबुक मार्केटिंग करनी है। अब फेसबुक मार्केटिंग में भी आपने सब कुछ टारगेट नहीं कर लेना कि भाई कोई भी बिजनेस आ जाएगा जी हम अवेलेबल है, हम आपको मार्केटिंग करके देंगे। नहीं, स्टार्ट में आपने एक निश पकड़ लेनी, बहुत छोटी सी निश पकड़ लेनी। मिसाल के तौर पर आप प्रमोट करते हो कोर्सेज वगैरह या एजुकेशनल से रिलेटेड जो वेबसाइट होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करोगे, यार हम आपको स्टूडेंट्स ड्राइव करके देंगे, हम आपके कोर्सेज सेल करेंगे। तो आपने बहुत छोटी सी निश पकड़ी, लेकिन होगा क्या, आप उस निश की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको बहुत जल्दी पिक कर लोगे और बहुत जल्दी सीख भी जाओगे, मास्टर भी कर लोगे। अब इसका फायदा क्या होता है, आपका एक ब्रांड बनेगा कि यार अगर किसी ने भी अपने कोर्सेज सेल करवाने हैं या किसी ने भी अपने इंस्टीट्यूशन की अपने कोर्सेज की अपनी ट्रेनिंग्स की सेशंस की प्रमोशन करवानी, तो ये पर्टिकुलर बंदा है जो ये काम बहुत अच्छे से करके दे सकता है। यानी कि आपकी निश में ब्रांड वैल्यू बनी, बेशक आपके कस्टमर्स कम रहेंगे लेकिन आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को। बाद में आपकी अपनी हिम्मत है, आपका अपना शौक है कि आप कितना ज़्यादा सीखते जाते हो, लेकिन स्टार्ट में बहुत छोटी निश को पकड़ो, उसकी स्ट्रैटेजी को सीखना शुरू करो। मार्केटिंग के अंदर ये बड़ी चीज़ नहीं है कि आप फेसबुक एड्स या यूट्यूब एड्स चला लेते हो, बल्कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तभी आप उसको कन्वर्जन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ई कॉमर्स बिजनेस की आप प्रमोशन करते हैं फेसबुक एड्स पर। अब ई कॉमर्स कोई छोटी फील्ड तो नहीं, उसके अंदर कितने सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी वो जो है उस कस्टमर को या आपके क्लाइंट को सेल्स मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पर चीजें बेच रहे हो होम डेकोर से रिलेटेड, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सेम स्ट्रैटेजी फर्नीचर के लिए भी बिक रही हो। हो सकता है कि फर्नीचर के लिए आपको कुछ अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती हो, अलग तरह की ऑडियंस टारगेट करनी पड़ रही हो, और होम डेकोर के लिए आपको एक अलग ऑडियंस को टारगेट करना पड़ा। इसलिए कोई भी स्किल चूज करो, SEO में आ जाओ, मार्केटिंग में आ जाओ, आर्टिकल राइटिंग में भी इवन के आ जाओ। तो आर्टिकल राइटिंग में आप क्या कर सकते हो, यार मैं सिर्फ पेट ब्लॉगिंग करता हूँ, और पेट में भी आप किसी स्पेसिफिक एनिमल को टारगेट कर लो कि यार मैं डॉग्स के बारे में अच्छा लिखता हूँ, और डॉग्स में भी आप स्पेसिफिक कैटेगरीज को टारगेट करो कि यार मैं इस टाइप के डॉग्स के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता हूँ। अब फायदा क्या होगा कि आपकी निश भले बहुत छोटी है लेकिन आप उसके मास्टर हो, आपको ज्यादा पे किया जाएगा एक नॉर्मल आर्टिकल राइटर से उस स्पेसिफिक निश के लिए अगर किसी ने आर्टिकल लिखवाना होगा। तो इसी तरह एक निश को फोकस कर लिया, उस निश में भी सब कैटेगरीज ढूंढो और जहां तक हो सकता है उसको डिवाइड करते जाओ। जो फाइनल पॉइंट आपको सबसे इजी पॉइंट आपको मिल रहा है कि हाँ यार यहाँ पर आके मुझे इस पॉइंट पर मार्केटिंग सीखनी है किसी इंस्टीट्यूट के लिए या ई कॉमर्स में इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मुझे मार्केटिंग सीखनी है, आप उसी को टारगेट करते हुए सीखते जाओ, जल्दी मास्टर बन जाओगे। 2 से 4 महीने लगेंगे आपको उसके अंदर ग्रिप करने में, उसकी सभी स्ट्रेटेजीज को सीखने में, उसके बाद आप अपनी फील्ड को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते जाओ। और स्टिक रहना है एक चीज़ में, इस तरह नहीं करना कि एक कोर्स स्टार्ट किया या एक तरह की वीडियो देखना शुरू की, आज ये देख रहे हैं कल कुछ और देख रहे हैं, इस तरह के काम नहीं करने। एक पॉइंट पे अपने आप को स्टिक करना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं समझना कि वीडियो देख ली समझ आ गई अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करो आगे मूव नहीं करो। अगर आप इस तरह से चलोगे, एक तो आपके जेहन में ये टेंशन खत्म हो जाएगी यार कि मैं कुछ सीख नहीं सकता, और दूसरा आप लोगों के जेहन से ये कंपटीशन का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेशक आपकी निश बहुत छोटी है लेकिन उस पर्टिकुलर निश में आप मास्टर हो। जब भी आपसे किसी ने काम करवाना होगा आप कह सकते हो कि यार मैं कोर्सेज, मुझसे अच्छा कोई प्रमोट नहीं कर सकता, मुझसे अच्छा SEO एक इंस्टीट्यूट के लिए कोई नहीं करके दे सकता। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा, आपकी स्किल पर आपकी ग्रिप इतनी अच्छी होगी, तो भाई आपको पेमेंट भी मुँह मांगी मिलेगी। इस तरह से स्किल को सीखो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान करो कि मुझे इस निश में जाना है, उसको डिवाइड करते जाओ, लास्ट पॉइंट पे बेशक पहुंच जाओ, सबसे लो लेवल पे आ जाओ कि यार ये एक निश है जिसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा, और अगर मैं इसको मास्टर कर लूँ भले मुझे स्टार्ट में सेल्स कम मिलेंगी लेकिन हाई वैल्यू मिलेंगी, और आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा, अर्निंग भी करोगे, टाइम भी मिलेगा फर्दर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।